अच्छी बात है, कम से कम उनको बेटी का एहसास तो हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, और यहाँ पे बेटी लाओ और कांग्रेस बचाओ, ये मैं बात कहूँगी। और हम तो बेटियों का सम्मान करते हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि वो कितना मदद कर पाएंगी। बहुत सारे चुनाव में उतर के उन्होंने पहले भी अपने भाई की मदद करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके आने से कोई असर होने वाला है। और हमारी सरकार बन रही है और बनेगी, प्रियंका आए या कोई और आए, हमें उसे कोई असर नहीं पड़ने वाला, हमारी सरकार को कोई असर नहीं होने वाला उससे। अच्छा, क्या इंदिरा गांधी का अक्स जो है प्रियंका के चेहरे में नजर आता है? ये तो देखिए, जो जिनको जैसा समझे, जो अपना लगता है कि जो उनको देखता है हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो उस चेहरे से वोट ले लेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा कुछ असर पड़ने वाला है। तो मैं फिर वही कहूँगी कि बेटी को उतारा है पहले इतने दिन से, मुझे लग रहा है एक माँ के अंदर ही इस भावना का था बेटे को ही आगे लाएं, लेकिन कम से कम कांग्रेस बचाने के लिए बेटी को इज्जत मान सम्मान दिया है, इसके लिए तो हम खुश हैं। बाकी हमारे उसमें कोई असर होने वाला नहीं है हमारे, कि वो आएंगी और वो वोट बैंक अपनी तरफ खींच लेंगे, ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया था, आपकी दो गाड़ियां चल रही हैं, दोनों में दो दो हूटर लगे हुए हैं, तो किस तरह वीआईपी कल्चर का पालन आप लोग कर रही हैं? आप सांसद हैं? नहीं, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, आप भी जानते हैं मेरे 3 जिले हैं। पहली बात तो आपको, अगर आप मेरे साथ चलें एक दिन के लिए, तो मुझे लग रहा है मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है। 3 जिले हैं मेरे पास, कानपुर, सीतापुर, हरदोई। हर में अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं कानपुर के बिलोर विधानसभा में जा रही हूँ, कहीं ट्रैफिक होती कुछ भी होता है, मुझे उसका सहारा लेना पड़ता है। पूरी तरीके से जब लाइटें और ये हो जाएंगे तो हमें भी नहीं शौक है, मैं भी इसे उतार दूँगी। और मैं इसीलिए, मेरे लिए मजबूरी 3 जिले होने के कारण मैं टाइमली वहाँ नहीं पहुँच पाती, इसलिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है।